राइबोज। राइबोज एक और बहुत इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड है। राइबोज एक एल्डो पेंटोज है। एल्डो पेंटोज से मुराद कि ये एक एल्डो शुगर है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, और पेंटोज से मुराद ये कि इसमें 5 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। एक कार्बन एटम ये होगा, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 और कार्बन नंबर 5। पहली कार्बन जिस पर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, इसके अलावा कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5 पर एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 4, इन तीनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है, और आखिरी कार्बन यानी कार्बन नंबर 5 पर 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स कनेक्टेड होते हैं। राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स की स्ट्रक्चर का एक अहम इंटीग्रल कंपोनेंट है, और आप जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड ही जिंदगी है। डीएनए और आरएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं। जिन ऑर्गेनिजम्स में, जिन ऑब्जेक्ट्स में न्यूक्लिक एसिड्स मौजूद होता है, उन्हीं को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का दर्जा देते हैं, और इन तमाम न्यूक्लिक एसिड्स में राइबोज या इसकी एक वेरिएंट फॉर्म जरूर मौजूद होती है। डीएनए और मुख्तलिफ तरह के आरएनए में राइबोज हमेशा मौजूद होगी। आप जानते हैं कि मोनोसैकेराइड्स को जब पानी में डिजॉल्व किया जाता है तो ये बासानी डिजॉल्व हो जाते हैं, और इस सॉल्युबलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान ये एक रिंग कॉन्फिगुरेशन अख्तियार कर लेते हैं। राइबोज को जब पानी में डाला जाता है तो ये 5 कोनों वाला रिंग बनाती है, और इस 5 कोनों वाले रिंग को राइबोफ्यूरानोज कहा जाता है। इसको राइबोफ्यूरानोज इसलिए कहा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर मिलता है एक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्यूरॉन से। फ्यूरॉन भी एक 5 कोनों वाला ऑर्गेनिक कार्बन का रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन एटम भी मौजूद है। इस सिमिलैरिटी की वजह से राइबोज से बनने वाले रिंग स्ट्रक्चर को राइबोफ्यूरानोज का नाम दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि स्ट्रेट चेन राइबोज मॉलिक्यूल से रिंग स्ट्रक्चर राइबोफ्यूरानोज किस तरह बन जाता है। ये स्ट्रेट चेन राइबोज मॉलिक्यूल है जिसमें आपको 5 कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट स्टेप वैसा ही होगा कि जैसा आपने ग्लूकोज के केस में देखा, मॉलिक्यूल बेंड करेगा। मॉलिक्यूल बेंड इस तरह करेगा कि पहले एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप बनाइए, जिसमें राइट साइड पे कार्बन नंबर 1 है, 2, 3, 4 और 5, और बेंडिंग के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। और इस स्ट्रक्चर में जैसे आपने ग्लूकोज के केस में देखा, यहां पर भी कार्बन नंबर 4 और 5 के दरमियान जो बॉन्ड है ये फ्लेक्सिबल है। कार्बन नंबर 4 और 3 के दरमियान जो बॉन्ड मौजूद है ये भी फ्लेक्सिबल है, और इस बॉन्ड पे रोटेशन होती है। इस रोटेशन की डायरेक्शन आपको इस एरो हेड से नजर आ रही है, 120 डिग्री की रोटेशन होगी, और इस रोटेशन के नतीजे में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको आप देख सकते हैं कि CH2OH ग्रुप यहां से यहां पे आ जाएगा, इस जगह पे। हाइड्रोजन ग्रुप यहां पे आ जाएगा, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस जगह पर आ जाएगा। ये चेंजेस आपको इस फिगर में इसी तरह से नजर आ रहे हैं। इन चेंजेस के होने के बाद इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट है सब्सिक्वेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए। और ये केमिकल रिएक्शंस कौन से होंगे? ये बिल्कुल वैसे ही केमिकल रिएक्शंस होते हैं जैसा कि आपने ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर बनने के दौरान देखे। इसमें सबसे पहले तो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये टूटता है। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन नंबर 1 को डोनेट कर देती है। कार्बन नंबर 1 के साथ ऑक्सीजन अटैच है 2 बॉन्ड्स के साथ, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। इन 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाता है, दूसरा बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में कायम रहता है। एक बॉन्ड जब टूटता है तो हाइड्रोजन आयन को ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट हो जाता है, और इस तरह से फाइनल स्ट्रक्चर जब बनेगा वो फाइनल स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह का बनता हुआ नजर आता है। इस स्ट्रक्चर को राइबोफ्यूरानोज का नाम दिया जाता है।
राइबोज के स्ट्रेट चेन से राइबोफ्यूरिनोज बनने के स्टेप्स को भी आप पेपर पर ड्रॉ कीजिए और इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर और बॉन्ड्स के बनने और टूटने के अमल को समझने की कोशिश कीजिए।